नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि इंजन की रिंग क्यों जाम होती है और ये मोबिल क्यों उठाता है इंजन, इसकी हम पूरी जानकारी आज आपको देंगे। और इसके साथ में कई जानकारियां इंजन से जुड़ी हम आपको देंगे, इसलिए कुछ वीडियो लंबा चला गया है। हम आपको दिखा रहे हैं, इसको अब हम खोलेंगे। सबसे पहले पिस्टन को हेड को उतारे हैं, अब इसको हम पहले ब्लॉक को उतारेंगे। ब्लॉक को उतारने के बाद पता चलेगा कि पिस्टन क्या पोजीशन है या रिंग की क्या पोजीशन है। अब आप देख सकते हैं कि पिस्टन की क्या पोजीशन हुई है। ये रिंगों की कमी थी, इसमें आयल रिंग की गड़बड़ी थी, इसके वजह से मोबिल उठा रहा था और पूरा पिस्टन और लाइनर को देखे क्या हुआ है। जबकि बोर सही है, अभी बोर नहीं ख़राब हुआ है, अभी रिंग डालकर काम चल जाएगा, क्योंकि इस पर केवल कार्बन चढ़ा हुआ है, बाकी इसको रेगमाल से साफ़ करने के बाद में सही हो जाएगा। अब हम कनेक्टर रात पहले खोल कर बताएँ क्रैंक से, फिर देखें रिंग की क्या पोजीशन है बाहर निकाल कर। मैंने इसको बाहर निकाल लिया, अब आपको ब्रास की पोजीशन आपको दिखाने जा रहे हैं। ब्रास तो भाई बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं इसके, ये दोनों पार्ट के ब्रास बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। इसमें दोस्तों केवल कापर की निकिल चढ़ी होती है और रिंग भी बिल्कुल पोजीशन इसकी ख़राब है, एकदम जाम है। और पिस्टन की पोजीशन तो आप देख ही रहे हैं क्या हुआ है, इसमें सारी की सारी रिंगें सीच हो गई थी। और ये जो वाल की स्प्रिंग तोड़ रहा था, इसकी भी दिक्कत को दूर करना है, इसलिए इसको भी हमें बदलना होगा, क्योंकि इसमें जंप बहुत ज़्यादा है। इसको खोल कर निकाल लेंगे, सबसे पहले इसको ही चेंज कर देंगे हम, क्योंकि अगर इसमें जंप रहेगी तो कंप्रेसर भी सही नहीं रहेगा, स्टार्टिंग प्रॉब्लम होगी और स्प्रिंग भी तोड़ेगा ये। ये दोस्तों छोटी छोटी कमियां इंजन के लिए बहुत बड़ी बन जाती हैं स्टार्टिंग में और लोड में भी। इसको प्लास से निकालना पड़ेगा, ऐसे ये नहीं निकल पाएगा। इसकी हम सीट आपको दिखा रहे हैं, सीट सही है, सीट को नहीं बनवाना पड़ेगा।
कि हम शाफ्ट को खोलकर उसको भी देख लिया जाए कि कोई दिक्कत है या नहीं। बॉडी में केवल ही कार्बन नजर आ रहा है। दोस्तों केएमसॉफ्ट सही है, इसलिए इसके साथ छेड़खानी करना ठीक नहीं, कि इसको केवल धूल दिया जाएगा बस। केएमसॉफ्ट में कोई भी जंप या कुछ भी नहीं है। दोस्तों क्रैंक की भी पोजीशन अच्छी है, इसको भी नहीं टर्न करवाना पड़ेगा, केवल ब्रास बदलने पड़ेंगे। इसमें दोस्तों 70 नंबर का ब्रास इस समय चल रहा है। अब सबसे पहले तो हम वाल को देखें, इसमें स्प्रिंग टूटी है या नहीं टूटी है। इसमें दोस्तों जो लॉक लगे होते हैं, तो कहीं कहीं इसको मक्खी बोला जाता है, कहीं कहीं इसको चुटकी बोलते हैं लोग। ये दोस्तों इसमें तो स्प्रिंग की दुर्दशा ही ख़राब हो गई है, एक स्प्रिंग के कई कई खंड हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे भी। बस पूरी बॉडी में दोस्तों केवल कार्बन ही कार्बन है, क्योंकि ये कमी थी रिंग की। ये तो दोस्तों सुलेशन लगा हुआ था जो चिपकाया जाता है। ये दोस्तों निशान लगा देते हैं कि जिसे वाल बदले ना, वैसे तो हमको वाल नहीं लगानी पड़ेगी शायद, क्योंकि ये वाल बैठ चुके हैं दोनों। देखिए इतना कार्बन है कि वाल निकल नहीं रही है आसानी से। ये पिस्टन की पोजीशन आप देखिए कितनी थी, इसकी दुरुस्ता ख़राब हो गई है कार्बन के वजह से। ये दोस्तों एक हम पुरानी रिंग को तोड़ लेते हैं, उसी रिंग से इसको हम साफ करते हैं। और इसको साफ करना बेहद ज़रूरी होता है, अगर साफ नहीं किया गया तो फिर वही रिंग जाम होने की समस्या दोबारा खड़ी हो जाएगी। इसको सावधानी से भी साफ किया जाता है कि पिस्टन पर कोई खरोच भी ना आए। इसके बाद हम हेड को साफ कर लेंगे, फिर देखेंगे हेड की गाइड और सीट सही है या नहीं सही है।
दोस्तों, सबसे पहले हम वाल कंडीशनर जो होता है उसको हम सबसे पहले बदल देंगे। ये दोस्तों नया लगाने जा रहे हैं। ग्रीस लगा देंगे। इसकी सीट सही थी इसलिए हम सीट नहीं बनवा रहे हैं, सीट अभी नहीं कटी थी। अब इसमें लगा देंगे एडजस्टिंग नट। इसको दोस्तों एडजस्टिंग नट बोला जाता है। यही से कंप्रेसर को मिलाया जाता है, सेट किया जाता है। अब इसको हमने बांध कर फिट कर दिया है। अब दोस्तों हेड का नंबर है हम आपको दिखा रहे हैं। ये नई वाल है इसलिए ये ऊंची आ रही है, इसलिए इसको हमको ग्राइंडिंग करना पड़ेगा। तो पहले तो हम रेगमाल से देख रहे हैं, अगर आ जाए तो आ जाए फिर, और नहीं फिर इसको मशीन से करना पड़ेगा। रेगमाल से नहीं हो पाया दोस्तों। अब इसमें ग्राइंडिंग जो पेस्ट आता है उसको लगाकर हम मशीन से करेंगे, क्योंकि ऊंचाई ज़्यादा थी ऐसे नहीं कट पाएगा। क्योंकि सीट बैठी थी इसलिए वाल मोटी साइज की है। ये दोस्तों अपने हाथ का बनाया हुआ ड्रिल मशीन से ग्राइंड किया जाता है। ये दोस्तों ड्रिल मशीन है। ये दोस्तों ग्राइंडिंग पेस्ट लगा हुआ है, इसी से सीट बनती है कटकर। ग्राइंड हो गया, लेबल में आ गई है वाल। अब इसमें हम स्प्रिंग लगाएंगे। स्प्रिंग हमेशा दोस्तों डबल वाली लगानी चाहिए, सिंगल वाली इतनी सक्सेस नहीं रहती है। इसमें दो स्प्रिंग होती है, एक अप एक डाउन।
लग गई। इसको अब हम हल्का हल्का ठोकर दे देंगे कि जो मक्खी लगाई है वो सिट बैठ जाए। हेड कंप्लीट हो गया है। अब हम रिंग का नंबर है, अब रिंग हम लगाएंगे। इसका दोस्तों 76 नंबर का बोर है, 76 mm। इसमें दोस्तों एक आयर 3 कंप्रेसर होती है। और इसको दोस्तों पहले एक रिंग को डालकर देख लिया जाता है कि सेट है या नहीं है। हम आपको दिखा रहे हैं ये जो खांचा है इतना गैप होना चाहिए। कनेक्टर रॉड के पॉइंट पर भी कोई भी खांचा नहीं होना चाहिए और हर एक खांचा एक दूसरे को काटता हो, आमने सामने कोई भी खांचा ना होना चाहिए। इसके बाद इस पर हम मोबिल लगा लेंगे, इसके बाद में इसको लेनर में डालेंगे। मोबिल लगाने से बोर में स्क्रैच नहीं आता है। इसका कनेक्शन रॉड भी हम चेक कर लेंगे, इसमें तो चाल नहीं है, लेकिन इसमें चाल नहीं है। अगर चाल होती तो इसको भी बदलना पड़ता है। अब हमको लगाना है ब्रास को। ये क्रैंक दोस्तों 70 नंबर पर आ गया है, इस पर 70 नंबर के ब्रास लगते हैं। इसमें जो निकिल होते हैं कापर के दोस्तों उस पर भी चोट ना आए, नहीं तो समझ लो वो ब्रास बेकार हो गए, क्योंकि ब्रास में वही निकिल काम करती है जो कापर की चढ़ी होती है। साइड से हल्की ठोकर देकर इसको बैठाया जाता है। अब इसको बोर में डालेंगे, एक एक रिंग चढ़ाई जाती है इसकी। पेचकस की मदद से, लेकिन ये हमेशा ध्यान रहे कि एक रिंग के दूसरी रिंग का खांचा नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों बारी आती है फिल्टर की, मोबिल फिल्टर। ये दोस्तों ब्रास जाने का सबसे मेन कारण है ये फिल्टर। अगर ये फिल्टर चोक नहीं हुआ होता तो ब्रास नहीं जाते। ये दोस्तों देखिए कितना काला हो गया था। अब ये हम नया लगाएंगे उसको खोलकर। ये नया फिल्टर है और ये पुराना है, इसको हमने निकाला है। ये आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा चोक हो चुका है। इसके वजह से क्रैंक तक मोबिल नहीं पहुंच पाता था, इसी की वजह से ब्रास चले गए। अगर और थोड़ा चल जाता तो क्रैंक भी चला जाता, उसको भी टर्न करवाना पड़ता है। जब हम नया लगाएंगे बहुत सटीक जगह होती दोस्तों, इसलिए लगने में
कुछ टाइम लग जाता है क्योंकि बहुत कम जगह होती है इसके अंदर, बॉडी के अंदर। अब हम इस पर ब्लॉक रख देंगे, पिस्टन लगा हुआ। ब्रास लगाते वक्त दोस्तों एक बहुत चीज़ ध्यान रखी जाती है, एक तरफ नंबर होता है, जो नंबर होता है नंबर पर ही नंबर को लगाया जाता है कनेक्टर राड में नीचे वाला। नंबर देखकर ही लगाया जाता है, एक साइड में नंबर होता है उसी साइड से उसको लगाया जाता है। अब इसमें हम थोड़ा सा मोबिल डाल देंगे, मोबिल डालकर थोड़ा सा चला देंगे हम हैंडल के ज़रिए। इसमें सबसे पहले हम गवर्नर का टापा बांधेंगे, गवर्नर का टापा बांधेंगे के बाद में पंप को इसमें टाइट कर देंगे। अब हम इस पर गैसकेट डालेंगे, अगर किसी भी पुर्जे पर किसी कंपनी का नाम अगर आ रहा है तो हमें किसी कंपनी का प्रचार नहीं करना है, जिसको जहां पर जो भी सामान मिले वो अपने हिसाब से खरीद सकता है। अब इस पर हम हेड डाल देंगे, लास्ट में टैपेट बॉक्स को लगा देंगे हम सिलेशन लगाकर।
ज़्यादा है कहाँ हमें ऊपर रखो ऊपर रखो वाल के रजिस्टिंग भी मिला लेंगे हम क्योंकि खुल चुका है।